नमस्ते गाइस, और काफी लोगों ने ये एनिमेशन आईफोन की देखी होगी क्योंकि आईफोन 14 नया लॉन्च हो चुका है। नए आईफोन्स के साथ यार वापस से पुराने फोन से नए में शिफ्ट करते रहना पड़ता है, और मुझे पता है काफी लोगों ने फेस्टिव सीजन में डील्स में वगैरह नए नए आईफोन्स लिए हैं। उसमें से काफी लोग मेरे जैसे वो भी है जो ज्यादातर एंड्रॉयड ही यूज करते हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है जिनको यार डेटा ट्रांसफर करना है अपने पुराने फोन से नए वाले में। इवन अगर आप आईफोन पे स्विच नहीं कर रहे हो, स्टिल ये यार फोन स्विचिंग का मेथड आपके लिए भी यूजफुल हो सकता है। ये काफी ज्यादा सिंपल प्रोसेस है, बस 3 स्टेप्स है इसमें। पहला है बैकअप ले लो, देन सेकंड है सेटअप कर लो न्यू डिवाइस को, और थर्ड है वो तो यार इजी है ट्रांसफर कर दो। बैकअप्स में यार काफी सारी चीजों का आप बैकअप लेना चाहोगे, स्पेशली कॉन्टैक्ट्स का सबसे पहले, देन फोटोज होते हैं अपने, वीडियोस एंड कैलेंडर वगैरह जो जिनका यार स्केड्यूल वगैरह होता है काफी सारा, एंड काफी सारी ऐसी चीजें जो आपके लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो सकती है। बैकअप मेथड्स काफी सारे सिंपल है, जैसे कि यार आई क्लाउड यूज कर सकते हो, क्लाउड बैकअप हो जाता है उससे, देन मूव टू iOS ऐप भी आ जाता है। ये बैकअप मेथड से आईफोन स्विचिंग स्मूथ हो जाता है आपका बोथ एंड्रॉइड एंड iOS के लिए। सेकेंड चीज करनी है वो है यार ऑब्वियसली अपना जो नया आईफोन है इसको अपने को पूरा का पूरा सेटअप कर देना। इसको मैं फटफट से सेटअप कर देता हूँ, अभी मैं इसको यार फटफट मैनुअली सेटअप कर लेता हूँ। और ऑब्वियसली सबसे पहली बात भाई, हम लोग फेस आईडी अपना लगा रहे मुंडे घुमा के, ये देखो ओके अबे लग जा ठीक है। ओ भाई साहब एक्सरसाइज हो रही है गलतन की, ठीक है पासकोड वगैरह सेट कर दो फटफट, तो भाई थोड़ा सा सिक्योर रहेगा। एप्पल आईडी वगैरह लॉग इन करके आप डायरेक्टली आईफोन यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। एक चीज आप मुझे सब लोग कमेंट में बताओ कि आप लाइट थीम प्रीफर करते हो या फिर ये दूसरा डार्क वाला प्रीफर करते हो, नीचे बताना मुझे। मैं तो डार्क प्रिफर करता तो डार्क वाला सिलेक्ट कर लिया। अपना आईफोन अभी पूरी तरीके से रेडी है ऐसा लगेगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि अपनी थर्ड स्टेप बाकी है जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर करना डेटा ताकि आप इजीली फोन यूज कर पाओ। देखो अगर आपने पहले iCloud से बैकअप लिया था तो iCloud से यार डायरेक्टली आप लॉग इन करके उसको रिस्टोर कर सकते हो। देन अगर आपके पास पहले से ही आईफोन है ठीक है, तो उसको सिर्फ आपको ऐसे पास में लेके जाना होता है और डायरेक्टली ऑप्शन आ जाता है स्विच करने का। उसमें भी यार कभी कभी क्या हो जाता है कि ट्रांसफर स्पीड से यार डिपेंड करते हैं आपके वाईफाई वगैरह पे, तो वो शायद स्लो भी हो सकता है। इवन iTunes से PC की मदद से आप ट्रांसफर कर सकते हो डेटा, लेकिन आज हम लोग यार एक और मेथड के बारे में बात करेंगे, उसमें वो है डॉक्टर फोन का फोन ट्रांसफर, जिससे यार विदाउट वाईफाई आपको सिर्फ केबल्स चाहिए और एक PC या लैपटॉप चाहिए, उसकी मदद से आप डायरेक्टली काफी जल्दी से ट्रांसफर कर सकते हो, स्पेशली एक एंड्रॉइड से iOS में वो ज्यादा इजी हो जाएगा। एंड मैं डॉक्टर फोन को इसलिए स्पेसिफिकली रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि पहले भी यार मैंने काफी बार इसको यूज किया है, और ये एक ट्रस्टेड टाइप का सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं कि भाई कोई भी रैंडम सॉफ्टवेयर है, इसलिए मैं इसको सिर्फ आपको रिकमेंड कर रहा हूं। डॉक्टर फोन ट्रांसफर से आप यार कोई भी डेटा iOS एंड एंड्रॉइड दोनों के बीच में ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एंड्रॉइड टू iOS जाएगा, iOS टू एंड्रॉइड भी ट्रांसफर हो सकता है, काफी ज्यादा सिंपल चीज है। तो ये देखो ये मेरा पुराना एंड्रॉइड है, इसमें अपने पास डेटा है, तो हम लोग इसको यार अपने नए वाले आईफोन में ट्रांसफर करके देखेंगे। ये डॉक्टर फोन की वेबसाइट जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि सभी टाइप के फोन्स को आप यार इंटरचेंजेबली ये कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। देखो यार iOS टू एंड्रॉइड इजीली काफी ज्यादा, एंड वन क्लिक ट्रांसफर है काफी ज्यादा इजी है। इन लोगों ने स्टेप्स भी बताया, देखो यार कि पहले एप्लीकेशन लॉन्च करना है, देन यार फाइल्स चूज करने हैं एंड डायरेक्टली ट्रांसफर कर देना है, इजी काफी ज्यादा इजी है। अभी हम लोग इसको सीधा ओपन करते हैं, एंड यहाँ पे देखो ये है फोन ट्रांसफर, इसको लॉन्च करेंगे। ये देखो गाइस फोन ट्रांसफर सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो आप कि आपको दोनों भी फोन्स कनेक्ट करने पीसी को। ये मेरा पुराना वाला फोन है, इसको मैं पहले कनेक्ट कर देता हूँ अपने पीसी के साथ, देन ये लोग आपको इजीली बताएंगे कि कैसे आपको डीबगिंग ऑन करनी है अपना S8 के बाद का फोन है। इसको अलाउ करना है सीधे आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने, एंड यहाँ से अगर USB डीबगिंग होती है उसको एक्टिवेट कर लेना। ये देखो इजी, ये देखो यहाँ पे ये सारा डेटा लोड कर रहा है अपने फोन से, इजीली देख सकते हो काफी सारे टाइप के डेटा, यानी कि कॉन्टैक्ट्स वगैरह, देन कैलेंडर, कॉल लॉग, सब कुछ, इवन यार फोटोज, म्यूजिक, वीडियो, आप सब कुछ इसमें ट्रांसफर कर सकते हो। अब ये हम लोग का आईफोन है, इसको भी हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं पीसी के साथ। ये देखो हो गया पीसी के साथ, और इसको अनलॉक करना पड़ता है, एंड यहाँ पे अलो का ऑप्शन आ जाएगा, और ट्रस्ट करना अपने पीसी को। क्या आपको ट्रस्ट है आपके पीसी पे, कर दो ट्रस्ट। अभी देखो गाइस दोनों के दोनों फोन्स अपने कनेक्ट हो चुके हैं,
एंड सिंपली मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ क्या क्या ट्रांसफर करना है अपने उस कैलेंडर में, चीज़ें, फोटोज है, कुछ म्यूजिक है, वीडियोज है, ये सब कर सकते हैं। ऑब्वियसली एप्स वगैरह आप कर नहीं पाओगे क्योंकि यार एंड्रॉयड और iOS है, बाकी तो चीज़ें आप कर सकते हो ट्रांसफर इजीली। वॉइस मेमोज मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया बट आप कर सकते हो इजीली, एंड बस आपको ये स्टार्ट ट्रांसफर का बटन प्रेस करना होगा, काम वेरीफाई हो जाएगा एंड तुरंत ट्रांसफर स्टार्ट कर देगा। ये ट्रांसफर स्टार्ट किया उसने, बट ये क्या बोल रहा है कि आपको पासकोड डालना पड़ेगा आपके आईफोन पे, तो वो डाल दो। पर फोन आपको दोनों भी कनेक्टेड रखने हैं पीसी को, इसलिए दो केबल्स आपके पास चाहिए। वो तो यार बक्से में आ ही जाते हैं सब फोन्स के आजकल, चार्जर में आता बट केबल्स आ जाते हैं। फोटोज अभी ट्रांसफर हो गए, फटफट हो गए, झटक से कैलेंडर का डेटा हो गया, सब कुछ ट्रांसफर हो गया और ओके कर दो मैसेज को आए हुए। यहाँ पे कुछ अभी तक हम लोग को दिख नहीं रहा है क्योंकि यार ट्रांसफर हो गया। इवन आप इसको फ्लिप कर सकते हो, लाइक लिटरली आप उल्टा भी कर सकते हो कि आईफोन से डेटा ट्रांसफर कर सकते हो एंड्रॉयड के अंदर, वो भी काफी इजी है। मैंने ना अपने वाले फोन के अंदर कॉन्टेक्ट में एक ही कॉन्टेक्ट सेव किया था, ये देखो लाइक कर दो दोस्तों, एंड देन दूसरा सैमसंग हेल्पलाइन, सैमसंग का फोन है इसलिए वहां से आ गया। फोटो में भी देखो गाइज, हम लोगों ने ये फोटो यही फोन का निकाला था दूसरे फोन से ताकि हम लोग देख पाए कि सही से ट्रांसफर हुआ है नहीं। कैसे इस तरीके से तो आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो इजीली, बोथ iOS और Android दोनों के साथ ये कंपैटिबल है डॉक्टर फोन का फोन ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल अभी ये पुराना फोन है, मुझे इसको बेचना है तो इसके लिए ऑब्वियसली इसको ठीक से रीसेट करना चाहिए अपने को। और यहाँ पे आता है डेटा इरेजर इनका, ऑब्वियसली आप नॉर्मली भी रीसेट कर सकते हो फोन को, बट अगर आप इसको बेचना चाहते हो किसी को तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि भाई कुछ भी नहीं रहा है इसमें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये तो सिर्फ डॉक्टर फोन टूल किट का मैंने एक मॉड्यूल आपको दिखा दिया, इसमें काफ़ी सारे मस्त मस्त से मॉड्यूल्स है। ये देखो जैसे कि डेटा रिकवरी, आप डेटा रिकवर कर सकते हो फोन से, देन फोन मैनेजर है कि फोन एंड कंप्यूटर के बीच में आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन अनलॉक है जिसको मैंने यूज किया था, लाइक अगर स्क्रीन आपका लॉक हो चुका है एंड आपको रीसेट करने के लिए पासवर्ड वगैरह आप सब भूल गए, देन वर्चुअल लोकेशन है भाई पोकेमॉन गो खेलने के लिए वगैरह मजा आता है, देन व्हाट्सएप ट्रांसफर है स्पेसिफिकली iOS और एंड्रॉयड के लिए, आपको ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है। देन यार बाकी सारे भी मॉड्यूल से मिरर करने के लिए, डेटा इरेजर, पासवर्ड मैनेजर, सिस्टम रिपेयर, फोन ट्रांसफर अभी यूज़ किया, बैकअप के लिए भी स्पेसिफिक मॉड्यूल है। और जो फोन स्विच है उसका स्पेसिफिक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है ठीक से कि कैसे आप एंड्रॉयड टू iOS स्विच कर सकते हो बिना किसी यार झंझट के, लाइक काफ़ी ज़्यादा इजी। आप देख सकते हो सब कुछ वो सपोर्ट करता है, iOS टू iOS, एंड्रॉयड टू iOS, एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड भी हो सकता है अगर आपका नॉर्मली स्लो जा रहा है, बस ट्रांसफर करने के लिए आप दोनों फोन कनेक्ट कर दो एंड हाई स्पीड से ट्रांसफर हो जाता है। कई शायद से आपको ये वीडियो इतना यूजफुल ना हो अभी के लिए बट बाद में भी काम आ सकता है, इसलिए यार आपके दोस्तों को भी भेज कर रखो, वो शायद आपको याद दिला दे इसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।